और मेरे तेज दोस्तों, कैसे हो आप साहब? सब ठीक? चलो, रिएक्शन मैकेनिज्म आज है उसका लेक्चर नंबर 1। हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, किताब विताब ले लो, नोट बनाना शुरू कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्शन मैकेनिज्म आप ढूंढोगे आपकी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। तो सर ये क्या है? ये एक्चुअली अगर आपको ये आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 6-7 चैप्टर है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, फिर 12th स्टैंडर्ड में आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसके बाद आता है मेरे ख्याल से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है अमाइंस वगैरह, फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको ये चैप्टर आता है, ये टॉपिक आता है, तो आपको ये सारे चैप्टर्स आएंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो आपको फिर हमेशा दिक्कत रहेगी, इसीलिए मैं ये चालू कर रहा हूँ पहले। आई बात समझ में? ओके, ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। जहाँ पे भी डाउट आए कमेंट करके पूछना। लाइव लेक्चर होते तो आप पूछ सकते थे, लाइव मतलब आमने सामने बैठे होते तो। आई बात समझ में? लाइव लेक्चर भी लेंगे यूट्यूब पर बहुत जल्दी, पहले इधर ध्यान दो। चलो शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। इसकी जिंदगी में दो प्रकार के रिएजेंट आते हैं मेनली। एक आता है इलेक्ट्रोफाइल, एक आता है न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको ये दोनों टॉपिक एकदम अच्छे से आ गए तो भाई साहब आपका जो नींव है ना, जिसको हम कहते हैं बेस, बहुत अच्छा बन जाएगा, बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सबसे पहला इसमें एक लेटर, एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है इलेक्ट्रो। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है इलेक्ट्रॉन और एक बना है फाइल। तो इसका मतलब होता है, फाइल का मतलब होता है, ऐसे एक होता है फोबिया, फोबिया मतलब डर, फाइल का मतलब होता है लव। तो यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसकी कुछ कुछ चीजें हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों करता है। अगर आपको किसी से प्यार है, जैसे कि आपके दोस्त, मम्मी पापा, तो क्यों है? क्योंकि आपके पास उस चीज की कमी रहेगी। तो ये लोग के पास भी सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। सबसे पहली चीज यही आती है, ये लोग कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या फिर स्पीशीज। जो दूसरी कंडीशन आती है वो आती है, इनको चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वो जो जोड़ियों में आते हैं उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब इनको चाहिए तो ये लोग कैसे होंगे? एक्सेप्टर। कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं लुइस एसिड। क्या कहते हैं? लुइस एसिड। क्या कहते हैं? लुइस एसिड। क्या कहते हैं? लुइस एसिड। आई बात समझ में? अब सवाल यह है कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं? क्या सर बहुत सारे हैं? क्या सर हमें पता नहीं है? क्या सर हमें सब याद रखने पड़ेंगे? जी आपको सारे याद नहीं रखने, ऑटोमेटिक आपको पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। आओ समझते हैं। जो हमारे पास आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब वो अलग अलग प्रकार की चीज है। जैसे कि कभी भी तुम अगर नाम सुनो केमिस्ट्री में, स्पीशीज का मतलब इसका 3 स्वरूप होता है, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन। ये तीनों के बारे में बात हो रही होगी। कभी भी आप सुनो स्पीशीज का मतलब, तो मेरे ख्याल से मैंने पहले ही बता रखा है लेकिन अभी वापस बता दे रहा हूँ। स्पीशीज का मतलब होता है, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है क्या? आयंस। ये 3 चीजों के बारे में मेनली बात करते हैं। आई बात समझ में? अब
ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे सर एक एग्जांपल से समझाओ, बिल्कुल मान लो आपके जिंदगी में है एक एग्जांपल H प्लस, नाम सुना रहेगा कभी, सुना है, एक है NO2 प्लस, सुना है इसका नाम H प्लस, NO2 प्लस, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि NO प्लस हो गया, और कौन से होते हैं, C प्लस हो गया, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस हो गया, ऐसे अलग अलग ये सारे। अब इसमें जो ये H प्लस है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ये जो है आपको मैंने बताया था जहां पे दो है वो होते हैं नाइट्रोनियम आयन और ये है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम, ईएम लगाते हैं पॉजिटिव के लिए और नाइट्रो क्यों लगाया है, बिकॉज एनओ टू है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, क्योंकि ये एनओ है तो एनओ के लिए हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो आयन। ये जो होता है ये होता है असाइलियम आयन, असाइलियम आयन क्यों, बिकॉज असाइल ग्रुप है और आई यू एम क्यू, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे लोग होते हैं, एक और होते हैं लेकिन ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या सर सारे होंगे, कोई एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं होगा क्या, बिल्कुल एक्सेप्शन है, भरपूर एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन जो आता है वो आता है Na प्लस, Mg प्लस टू, H3O प्लस, NH4 प्लस, ये सारे इसके एक्सेप्शंस आते हैं। सर क्यों आते हैं एक्सेप्शन, इनके ऊपर भी तो प्लस चार्ज है, तो एक्सेप्शन इसीलिए आते हैं क्योंकि जो ये पहले दो है, ये पहले दो है हमारे पास मेटल, मेटल लोग जनरली इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल्स लोग मेटा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसीलिए वो लोग एक्सेप्शन में आते हैं। H3O प्लस और हमारे ये जो बबुआ है NH4 प्लस, इन दोनों के साथ खेला ये हो जाता है कि ये दोनों के दोनों इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं। अगर कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा रहेगा तो उसमें है कि कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई भी खाली डिब्बा नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, जिसकी वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन वो लोग ले नहीं सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्टेट और ये है इनके एक्सेप्शंस, ये है इनके एक्सेप्शंस। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वापस एक बार मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ। दो प्रकार के रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पहले हमने शुरू किया इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। अब आपको पहचाने होंगे कैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल को पहचानोगे कैसे, तो उसके पहचानने के तीन सिंपल रीजंस होते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं या फिर स्पीशीज होते हैं। स्पीशीज का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं या फिर स्पीशीज होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि अगर मान लो मैंने यहां से आपको ₹2 दिए और आपने वो रख लिए, तो आप वो ₹2 एक्सेप्ट करने वाले रहे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ₹2 का एग्जांपल क्यों लिया, बिकॉज पेयर बोला और जोड़ी हमेशा दो की होती है। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते, मान लो आपने वो ₹2 आपके पास रख लिए, तो आप लोग क्या होंगे, लुईस एसिड, क्या होंगे, लुईस एसिड। तो सर इसका उल्टा हम क्या सही समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हो, लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे, इधर बात करेंगे, इधर मतलब जब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चर्चा करेंगे तब। अब कितने प्रकार के न्यू इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सबसे पहला होता है ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे एच प्लस, एनओ टू प्लस, एनओ प्लस, सी प्लस, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, इनके सबके नाम दे रखे हैं। और इसमें एक्सेप्शन कौन से होते हैं, Na प्लस, Mg प्लस टू, H3O प्लस और NH4 प्लस। ये क्यों होते हैं एक्सेप्शन, बिकॉज ये दोनों मेटल्स है और ये दोनों क्योंकि इनके पास खाली डिब्बा नहीं है, खाली डिब्बा नहीं है तो वो रख नहीं सकते, ऐसे गुल्लक इनका भरा हुआ है तो वो दो इलेक्ट्रॉन लोग रख नहीं सकते। आई बात समझ में, क्या सर इतने ही होते, कुछ और नहीं होता, बिल्कुल होते हैं। कौन से सर आप बता दो एक बारी में,
जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं सम न्यूट्रल्स, सर ये न्यूट्रल क्या होता है, सम न्यूट्रल्स स्पीशीज आर ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सर जैसे इसका एग्जाम्पल बताइए, बहुत 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 सारे हैं एग्जाम्पल, भरपूर हैं, हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है BH3, फिर आता है BX3, और सर और कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ रहे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे हो गए मान लो BCl3, मान लो हो गए BI3, ये सारे एग्जाम्पल्स। ये सब कैसे, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या समझ में आ रहा है, इनके ऊपर आप ध्यान से देखो तो चार्ज थे लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसके लोग कैसे हैं, न्यूट्रल है। इनमें और भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो आते हैं FeCl3, फिर होता है अपने पास जैसे कि मान लो और कौन से होते हैं, ZnCl2, ऐसे एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब आते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में, देखो ध्यान से, देख लिया, वाह चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए बिकॉज मेरे को भी बोर्ड मिटाना है, ये साइड का मेरे को चाहिए, ठीक। तो ये जो न्यूट्रल वाला थी मैं इसको इधर लिख देता हूं, BH3 BCl3 BX3। सर ये X क्या होता है, X मतलब हेलोजन, BI3 और कौन से थे, FeCl3 और कौन से थे, ZnCl2 वगैरह वगैरह, ठीक। आओ इधर बात करते हैं अभी अगला। अब जो अगला आता है हमारे पास वो आता है क्या, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जैसे इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये शब्द दो चीजों से मिलके बना है, एक न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, और दूसरा है फाइल, फाइल का मतलब वापस प्यार। तो ऐसे स्पीशीज जिनको न्यूक्लियस से प्यार हो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। आई बात समझ में, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब कैसे पहचानेंगे न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, तो इसके भी तीन कंडीशन आती है। सबसे पहला, अब सर न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता क्या, सर एक बार और से समझाओ। जैसे न्यूक्लियस से प्यार होना, इसका मतलब ये जो पदार्थ होंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है, तो कमी किस चीज की है, पॉजिटिव चार्ज की। और हमें पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर जो घूमते रहते हैं ऑर्बिट में या शेल में उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ प्रोटॉन। तो इसीलिए इनके पास भरपूर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको क्या चाहिए रहता है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो चाहिए रहता है, इसीलिए इनको हम न्यूक्लियस से प्यार कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या ग्रुप। दूसरा पहचानने का तरीका है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है एक्सेप्टर, तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जो तीसरा है महत्वपूर्ण, वो है लुइस बेस होते हैं ये। तो जैसे
मैंने आपको 2 रुपए दिए थे तो मैं दे रहा हूं, तो मैं हूं डोनर, और मेरे को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, कौन सा, लुइस बेस। अब बात आती है इसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, तो जाहिर सी बात है वही होंगे जो इसके ऑपोजिट होंगे। आओ समझते हैं कौन से। सबसे पहले अगर हम समझे तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। जैसे एक होता है H-, ठीक, एक होता है H-, उसके बाद होता है Cl-, Br-, और आपको याद आ रहा है OH-, भी बिल्कुल, और कोई याद आ रहा है सर CH2O- भी होता है क्या, बिल्कुल होता है CH2O-, CH3O- वगैरह, ये सारे। अब इसमें जो ये H- होता है ना, इसका कुछ नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है हाइड्राइट। जब H के ऊपर माइनस होता है इसको हम कहते हैं हाइड्राइट, और जब प्लस होता है क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्या कहते हैं, प्रोटॉन। बाकी ये है क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अच्छा ये हो गए, क्या इसमें सर कोई एक्सेप्शन है? इसमें एक्सेप्शन तो उतने नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक दो बता देंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। साथ ही साथ अब इनमें कुछ कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो कैसे होते हैं, न्यूक्लियस से प्यार करने वाले, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल स्पीशीज एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे एक हो गया पानी H2O, ठीक, एक हो गया अल्कोहल। जैसे क्यों सर ये होते, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं और ये आसानी से डोनेट कर सकता है। OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते तो आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ध्यान दे रहे हो ना कि गुम हो गए, क्या कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकता है। अगला जो होता है वो होता है RNH2, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। और होता है जैसे कि RNHR, ये भी होता है, आई बात समझ में। एक और होता है RNRR, क्योंकि इनके पास भी क्या है, लोन पेयर है पड़े हुए। और कौन से आते हैं, RMGX भी होता है, वगैरह वगैरह भी हम देखेंगे सारे के सारे। फिर और भी होते हैं डबल बॉन्डेड, या फिर जिसके पास पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्डेड स्पीशीज, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सारे। और कौन सा सर, अपने इसके बारे में सुना है, बेंजीन के बारे में, सर ये बेंजीन क्या होती है, बेंजीन, इसके पास भी होते हैं, आ रही है बात समझ में। ये सारे होते हैं कौन से, न्यूक्लियोफाइल, ये सारे होते हैं कौन से, न्यूक्लियोफाइल। तो एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो होता है जिसको न्यूक्लियस से प्यार होता है। अब जिनको न्यूक्लियस से प्यार होता है, इसका मतलब कि इनको क्या चाहिए, इनको जिंदगी में चाहिए न्यूक्लियस, कि आके कोई मेरा जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम कर दे, जो मेरे पास भरपूर मेरे जीवन में नेगेटिविटी है उसको कोई कम कर दे। तो इसके सबसे पहला लक्षण है पहचानने का कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है, डोनेट कर सकते हैं। तीसरा, ये लुइस बेस होते हैं। इनके कौन से प्रकार होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो भी होंगे, जैसे H-, Cl-, Br-, OH-, CH3O-, ये सारे कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन भरपूर है, तो ये दान में दे सकते हैं। उनको छोड़ के कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, फिर ये हो गया अमाइड, फिर अपना हो गया 2-3 degree अमाइन वगैरह वगैरह। पाई बॉन्डेड में भी कुछ होते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और बेंजीन। इसमें क्यों होते हैं, बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पाई बॉन्ड जो होता है वो जनरली
सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। दो प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो जनरली सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, तो आसानी से टूट के वो डोनेट कर सकता है। ऐसे करके ये सारे की सारी चीज़ें आ जाती है, यहाँ पे रिएजेंट्स का खेल होता है ख़त्म, और एक दो चीज़ें जो आएगी वो आने वाले लेक्चर में। तो इतना कर लीजिए एकदम अच्छे से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, सी यू सून, बाय बाय।